मुंबई इंडियंस अब तक कुल 5 आईपीएल खिताब जीत चुकी है। मुंबई के आईपीएल इतिहास में इतने सफल होने की सबसे बड़ी वजह सितारों से सजी उसकी टीम है। पर साल 2022 आईपीएल के लिए होने जा रहे मेगा ऑक्शन के नियमों के चलते मुंबई को अपने कई स्टार खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ा है। ऐसे में मुंबई इंडियंस टीम की निगाहें अपने किन किन पुराने खिलाड़ियों पर सबसे अधिक है, आज यही हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और सबसे ज़रूरी अगर आपको हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी और सच्ची लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई इंडियंस अपने सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर पाई है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कारन पोलार्ड, ये वो नाम है जिनको लेकर मुंबई इंडियंस को कोई चिंता नहीं करनी है। पर मुंबई को ना चाहते हुए भी कई ऐसे प्लेयर्स को भी रिलीज करना पड़ा है जो कि मुंबई टीम की जान रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है विकेट कीपर और बल्लेबाज ईशान किशन का। मुंबई की टीम का ये युवा खिलाड़ी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में भी इस खिलाड़ी को जगह मिल चुकी है और इस खिलाड़ी में अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम इस खिलाड़ी को दोबारा से अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। ईशान किशन के अब तक के आईपीएल रिकॉर्ड्स को देखें तो ईशान किशन ने अब तक कुल 61 आईपीएल मैच खेले हैं और इनमें 28.47 की औसत से 1452 रन बनाए हैं। इस दौरान ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 136.33 का रहा है। आईपीएल में ईशान किशन का हाईएस्ट स्कोर 99 का है और ईशान किशन ने आईपीएल में कुल 9 अर्धशतक भी लगाए हैं। जहां तक बात चौकों और छक्कों की है तो ईशान किशन ने आईपीएल में कुल 74 छक्के जड़े हैं और 121 चौके लगाए हैं। ईशान किशन ने विकेटकीपर के रूप में आईपीएल में कुल 19 कैचेस और 2 स्टंपिंग्स भी की हैं। हालांकि मुंबई की टीम से रिलीज किए जाने के कारण लखनऊ और अहमदाबाद की दो नई आईपीएल टीमें ईशान किशन को अप्रोच कर सकती हैं और मेगा ऑक्शन के शुरू होने से पहले ही इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जोड़ सकती हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ पाती है या नहीं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या इस समय जरूर अपनी चोट के चलते परेशान है और इसी वजह से वो भारतीय क्रिकेट टीम से भी बाहर है, पर हर कोई जानता है कि हार्दिक पांड्या एक मैच विनिंग खिलाड़ी हैं और इन सभी बातों की गवाही हार्दिक पांड्या के आईपीएल रिकॉर्ड्स देते हैं। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में कुल 92 मैच खेले हैं जिसमें 27.33 की औसत से 1476 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 153.91 का रहा है। इसके अलावा हार्दिक का आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर 91 का। हार्दिक ने आईपीएल में 4 अर्धशतक, 98 छक्के और 97 चौके लगाए हैं। इन सब के अलावा हार्दिक के बॉलिंग रिकॉर्ड्स को देखें तो हार्दिक ने आईपीएल में कुल 42 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी 9.07 की रही है, जबकि हार्दिक पांड्या का आईपीएल में एवरेज 31.26 का रहा है। इन सब से अलग इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अब तक कुल आईपीएल में 53 कैचेस भी पकड़े हैं। ऐसे में देखा जाए तो आईपीएल की दो नई टीमें यानी कि अहमदाबाद और लखनऊ अगर इस खिलाड़ी को अपने साथ नहीं जोड़ती हैं तो मुंबई इंडियंस की टीम किसी भी कीमत पर इस खिलाड़ी को अपने साथ जरूर जोड़ने की कोशिश करेगी। इस लिस्ट में तीसरा नाम है बल्लेबाज और विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक का। दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने अभी जल्द ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला लिया है, जिससे जाहिर है कि क्विंटन डिकॉक साल 2022 के आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे। देखा जाए तो ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के कल्चर से काफ़ी वाकिफ है। ऐसे में मुंबई की टीम अगर ईशान किशन को टीम में वापस नहीं भी ला पाती है तो मुंबई की टीम क्विंटन डिकॉक को टीम में शामिल कर उनकी जगह की भरपाई जरूर करेगी, क्योंकि देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक के भी आईपीएल रिकॉर्ड्स कमाल के हैं। क्विंटन डिकॉक ने अब तक कुल आईपीएल में 77 मैच खेले हैं जिसमें 31.33 की औसत से 2256 रन उन्होंने बनाए हैं। इस दौरान क्विंटन डिकॉक का स्ट्राइक रेट 130 का रहा है, जबकि क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में 1 सेंचुरी, 16 हाफ सेंचुरी, 83 छक्के और 230 चौके जड़े हैं। इन सब के अलावा क्विंटन डिकॉक ने विकेटकीपर के रूप में कुल 53 कैचेस और 14 स्टंपिंग्स भी की हैं।
इस लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम है लेग स्पिनर राहुल चहर का। पिछले दो सीजन से यह खिलाड़ी मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहा है। राहुल चहर के कमाल की गेंदबाजी ने सबको प्रभावित भी किया है और वो आईपीएल में विकेट लेने वाले गेंदबाज माने जाते हैं। राहुल चहर के आईपीएल रिकॉर्ड्स को देखें तो राहुल चहर ने कुल 42 मैच आईपीएल में खेले हैं और इस दौरान राहुल चहर ने कुल 43 विकेट झटके हैं। राहुल चहर का आईपीएल में एवरेज 25.97 का रहा है, जबकि उनकी इकॉनमी 7.44 की है और राहुल चहर का बेस्ट बॉलिंग स्पेल 27 रन देकर 4 विकेट रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की टीम दोबारा से इन चारों खिलाड़ियों को टीम में वापस ला पाएगी, या इन चारों में से किन खिलाड़ियों के साल 2022 के आईपीएल में मुंबई की ओर से खेलने की आशंका सबसे अधिक है, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।